हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं शिमला मिर्च की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो लोग शिमला मिर्च देख खाना क्या देखना भी पसंद नहीं करते हैं वो आज से खाना शुरू कर देंगे। अगर आपने एक बार बना ली तो आपको और आपके सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। ये मेरा चैलेंज है, एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार करें। ये शिमला मिर्च और चावल के आटे से फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इसमें एक चम्मच लगा लिया है ऑयल और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद आधा चम्मच डाल दिया है जीरा, इसे थोड़ा सा तड़कने देंगे और ये अब हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब एक कटोरी मैंने ले लिया है चावल का आटा और इसे थोड़ा सा हम मिलाएंगे जिससे हमारा इस आटे में मोमन लग जाए। आप इस तरीके से मोमन लगाकर देखना, बेहद पसंद आएगा और इतना खस्ता रेसिपी बनकर तैयार होगी कि आज से आप ऐसे ही बनाना शुरू कर देंगे। और जिस कटोरी से मैंने आटा लिया है उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी पानी डाल दिया है, बस एक ही कटोरी पानी डालना है। अब हम इसे आटे को खूब अच्छी तरह मिला लेंगे जिससे इसमें गांठे ना रहें और इसे इस तरह मिलाकर और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे और थोड़ा सा और इसे पकाएंगे जिससे कढ़ाई हमारी छोड़ने लगे डो। बस इतना ही पकाना है आपको। और इस तरह ये अब हो गया है पककर तैयार और कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है चावल के आटे ने। अब हम इसे एक बर्तन में करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ ये मैंने शिमला मिर्च ले ली हैं धोकर और मैंने पोंछ ली हैं। और इस तरह का घी अकस आप ले सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो दूसरा भी ले सकते हैं। और अब हम इन्हें घी अकस कर लेंगे और इस तरह आराम से कस जाएंगे। अगर आपका घी अकस ये वाला नहीं है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। अब इसी तरह मैं सारी शिमला मिर्च को कसकर तैयार कर लूँगी। इसी तरह देखो, इसी तरीके से ये घिसकर तैयार हो गई हैं और अब मैं इसे भी घिस लूँगी। ये घिसकर हो गई हैं तैयार। अगर आपको शिमला मिर्च के बीज पसंद नहीं हैं तो आप इन्हें भी निकाल भी सकते हैं। और मैंने रखे हैं, अब इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसमें एक चम्मच ऑयल लगा लिया है। बहुत कम ऑयल में ही ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। और एक चम्मच लगा लिया है जीरा, जीरा हल्का सा ब्राउन हो गया है। आधा इंच मैंने ले ली है अदरक जो घी अकस करी है, उसे हल्का सा सोटे होने देंगे। और इस तरह ये भी हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च, ये भी हल्की सी हम भून लेंगे जिससे इसका तीखापन कम हो जाए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और एक ले लिया है मैंने मीडियम साइज का प्याज और इसे भी हम ब्राउन कर लेंगे। और इसे इस तरह भूंजकर हो गई है तैयार। और अब जो हमने शिमला मिर्च ली है वो भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर सारी शिमला मिर्च को डाल देंगे। पानी है थोड़ा सा शिमला मिर्च में, ये होना ज़रूरी है तभी हमारी शिमला मिर्च अच्छी तरह ये सोटे हो जाएगी। और अब मैंने एक ले ली है गाजर, ये भी मैंने लच्छों में घी अकस कर ली है। अगर आपके पास गाजर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, है तो आप डाल लें। और इस तरह इसे अब हम थोड़ी देर इसे शिमला मिर्च को चटकाएंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैंने एक आलू ले लिया है बॉल करा हुआ और इसके टुकड़े हैं, तो इस तरह इसे मिला लेंगे जिससे ये अच्छी तरह मैश हो जाए। और इसे खूब अच्छी तरह मैश कर लेंगे। और आलू मैश हो गए हैं, अब इसमें मैंने 50 ग्राम पनीर ले लिया, इसे इस तरह फोड़ कर डाल देंगे। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप इसे जगह दो आलू डाल सकते हैं, और है तो आप डाल लें। अब मैंने ये भी अच्छी तरह मैश कर लेंगे और इसे मैं सब में मिला लेंगे। तीनों चीज़ों को खूब अच्छी तरह मैंने मिला लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर।
अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मसाला, पाव भाजी मसाला डालूंगी और इसे अब अच्छी तरह हम मिलाएंगे। और मिलाने के बाद इसे हमारे मसाले आपस में मिल जाएं और इस तरह हम मिलाकर इस मसाले को तैयार करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक यानी स्वाद अनुसार, और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है और अब इसे भी हम अच्छी तरह मिलाकर और 2 मिनट तक और इसे चटकाएंगे, जिससे हमारे मसाले खूब अच्छी तरह आपस में मिल जाएं। अब ये मसाला बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। इसमें मोटे आलू के टुकड़े नहीं होना चाहिए। और 2 मिनट चटकाकर अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। और इधर अपना आटा देख लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1/3 चम्मच नमक डाला है। अब इस आटे को खूब अच्छी तरह गूंदेंगे, जिससे ऐसा जैसे हम आटा लगाते हैं चिकना, उसी तरह इसको गूंदकर हम तैयार करेंगे। और यहाँ पर आटा बहुत अच्छी तरह से फूल गया है हमारा। और अब इसमें मैं थोड़ा सा अपने हाथों में लगाऊंगी ऑयल, जिससे ये चिपके नहीं। और आपको ज़्यादा सॉफ्ट आटा ही रखना है, हार्ड नहीं करना है। और पानी का मेजरमेंट का आपको आटे का ध्यान रखना है, 1 कटोरी आटा तो 1 कटोरी ही पानी, जिससे भी आप मेजरमेंट करेंगे उसका बराबर का पानी लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर और मैंने इसे कर लिया है चिकना, ये डो फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे छोड़ देते हैं और हाथ साफ कर लेते हैं। और हाथ मैंने कर लिए हैं साफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हाथ को करेंगे चिकना इस तरह। अब एक बनाएंगे लोई, लोई को इस तरह जैसे हम कचौड़ी की लोई बनाते हैं उसी तरह इसे बनाकर तैयार करेंगे। हथेली से ही हम बढ़ाएंगे और इस तरह उंगलियों से इसे प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा इसे फैलाकर तैयार करेंगे। कटोरी जैसे कटोरी बनाते हैं उस तरीके के ये बनाकर कर लेंगे तैयार। और ये मैंने इतनी बड़ी बनाकर तैयार कर ली है। और इस तरह के मैंने स्टफिंग के लड्डू बना लिए। एक लड्डू को हम रखेंगे और इस तरह इसे मूंदते जाएंगे, जैसे हम कचौड़ी भरते हैं उस तरीके से हम इसे मूंदकर तैयार करेंगे। कचौड़ी नहीं बना रहे हैं आप, इस घबराइए नहीं। और इस तरह अब हम इसे थोड़ा सा चिकना करेंगे और इस तरह इसे हथेली से ही ये चिकना हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे कर देंगे हल्का सा चपटा। और इस तरह ये बनकर हो गई है तैयार। और अब ये मैं आपको एक दूसरी और बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह आप बहुत ही आराम से भर जाएगी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी और नहीं ये फटेंगे। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बहुत ईजी तरीके से ये सीख जाएंगे। जिस तरीके से मैं सीखूँगी उससे आपको पता चल जाएगी कि हाँ वाकई में बहुत ही आराम से ये फ्राई हो जाएंगे। और इस तरह हम दूसरी भी कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह ये बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा जगह जगह अगर आपका फट रहा है तो वहाँ आटा भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप उंगली से इस तरह सही कर ले। और ये करने के बाद ये हो गई है तैयार। और इसी तरह मैं सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैं ये बनकर हो गया है तैयार। और इस तरह का मैंने तवा ले लिया है और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक एक करके सारे में थोड़ा आधा आधा चम्मच लगा देंगे। बहुत ही कम ऑयल में ये सिककर तैयार होंगी। और जब वह सिककर तैयार होंगी तो इतनी क्रिस्पी कि आपके मुंह में जाते ही ये कुटर कुटर बोलने लगेंगी। तो इस तरह ये ऑयल मैंने लगा दिया है और गैस कर दी है चालू। गैस को हम लो मीडियम में ही रखेंगे, लो गैस पर ही हम इसे सिककर तैयार करेंगे। इसी तरह मैं सारे नाश्ते को लगा दूंगी। और लगाने के बाद हम इस पर इसे ढककर और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे और गैस को कर देंगे लो। और 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने नाश्ते को देख लेते हैं कैसा सिका है और पलटेंगे। बहुत आराम से पलटेंगे और बहुत ही खस्ता सिककर तैयार हो गया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें नहीं तो ये टूट जाएगा कि चावल का आटा है। तो इसी तरह मैं सारे नाश्ते को पलट दूंगी बहुत इजी तरीके से कि ऊपर से भी ये स्टीम से पक गया है और नीचे ऑयल से ये क्रिस्पी हो गया है। अब इसी तरह सारे नाश्ते को पलट कर कर लूँगी तैयार और अब हम इस तरफ ही इसे 5 मिनट और सेक लेंगे। अब हम इसे बंद नहीं करेंगे और ऐसे ही खुला ही सेकेंगे, अलट पलट कर सेकेंगे जिससे दोनों तरफ खूब अच्छी तरह सिक जाए। अब ये सिककर हो गया है तैयार, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी सिका है और देखने में आपको पता चल रही हो कितना खस्ता नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब इसी तरह मैं सारे नाश्ते को सेक कर करूँगी तैयार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि हमारी रेसिपी कितनी पसंद आई। और इस तरह सारा नाश्ता सिक कर तैयार हो गया है, मैंने चटनी के साथ सर्व करा है। आप इसे बिना चटनी के खा लेंगे तब भी आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आप एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाकर तैयार करेंगे और वाकई में सभी को बहुत पसंद आएगा। अंदर तक सिककर हो गया है तैयार और आप इसे खाएं और इन्जॉय करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।